हे गाइस, सो यार कैसे हैं आप सभी लोग। सो फाइनली जो है बड़ी मशक्कत के बाद आफ्टर द बहुत सारे बच्चों की क्वारीज के बाद जेई मेन का जो करेक्शन विंडो है वो फाइनली जो है ओपन कर दिया गया है। सो जस्ट आप जो है जेई मेन की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। देन इसके रिगार्डिंग एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जस्ट आप जो है 8 अप्रैल तक, यानी कि आज 6 अप्रैल है, कल 7 अप्रैल और 8 अप्रैल, दो दिन का आपको टाइम दिया गया है। दो दिन तक जो है आप जाके वहाँ पे अपने आप को जो भी है कर सकते हो, ठीक है। एडमिट कार्ड जो है आफ्टर द करेक्शन विंडो आप मान सकते हो, एटलीस्ट जो है ओपन कर दिया जाएगा जल्दी, 12 तारीख तक आप मान सकते हो, 11-12 तारीख तक एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन दिस इज़ ए वेरी बिग अपडेट रिगार्डिंग द जेई मेन करेक्शन विंडो, जिसकी बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार था हमें। फाइनली जो करेक्शन विंडो NTA की साइट पर खोल दिया गया है, करेक्शन आप कर सकते हो आधार कार्ड के अंदर, और जिनका आधार कार्ड वेरीफाइड है और जिनका आधार कार्ड वेरीफाइड नहीं है, इसके रिगार्डिंग एक स्पेसिफिक नोटिस दिया गया है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हो। सो फाइनली एक बड़ी अपडेट थी कि आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, मतलब करेक्शन विंडो, और जस्ट एक जो है प्राइम मेंबरशिप प्लान भी चल रहा है मिशन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तो आप उसको भी ले सकते हो। एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो पिछले साल और उससे पिछले साल हमारे पास ये क्वारी आती है आफ्टर एडमिशन टाइम के अंदर कि भैया हमें एडमिशन चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, सर आपको जो क्वारी है वो इस टाइम पे करनी चाहिए क्योंकि फॉर्म इस टाइम पे भरे जाते हैं, उस मोमेंट पे फॉर्म नहीं भरे जाते। वहाँ पे जो डायरेक्ट एडमिशन या फिर एडमिशन कोटा या फिर जो अदर कोटे से एडमिशन मिलता है, वहाँ पे बहुत सारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो जस्ट आप जो है इस मोमेंट पे ही ट्राई करें रिगार्डिंग बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। नीचे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो रिगार्डिंग आप जस्ट NIT के लेवल के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज अगर टारगेट कर रहे हैं तो। थैंक यू सो मच, खूब पढ़ते रहिए, धन्यवाद।